नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है लाइफ व्हील्स। और आज का टॉपिक है सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय आपको कौन सी बातें ध्यान में लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग टाइटल देख के हैरान हो गए होंगे कि इसमें क्या देखने वाली बात है, पर दोस्तों यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो फर्स्ट टाइम गाड़ी को ओन करते हैं, और एक गरीब आदमी के लिए 30 से 40 हज़ार भी बहुत होते हैं दोस्तों। तो कौन सी ये चीज़ें जो आपको देखनी है सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय? जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बाइक की या स्कूटी की ही बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको जानना यह है कि जो आप गाड़ी ले रहे हो उस गाड़ी का मॉडल कितने साल का है, और यह मॉडल अभी चल रहा है या नहीं। मतलब ज़्यादा भी पुरानी आपको गाड़ी नहीं लेनी है, जिससे आपको परेशानी आ सकती है और गाड़ी के पार्ट्स खोजने में दिक्कत आ सकती है। तो सेकंड पॉइंट, गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड आपको चेक करने हैं। फिलहाल तो यह बातें टू व्हीलर बाइक में ज़्यादा नहीं चेक की जाती, पर आपको यह देखना है। और आपको गाड़ी का मीटर देखना है, जो कि इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो आपको मीटर में देखना है कि वो मीटर टेम्पर है या नहीं। मतलब टेम्पर का मतलब कि कई कई लोग गाड़ी बेचते समय मीटर को टेम्पर करते हैं, मतलब वापस उसको पीछे से घुमा देते हैं। तो यह चीज़ आपको चेक करनी है। यह चीज़ चेक कैसे करते हैं? आपको गाड़ी का अगला पहिया घुमाना है और देखना है उसमें कि वो जो मीटर की सुई है वो काँप रही है। अगर वो काँप रही है तो उसने मीटर टेम्पर करवाया है, ऐसा आपको पता लग सकता है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि टायर्स की कंडीशन में होने वाला है, जो कि आप इस टाइम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि किस प्रकार टायर्स की कंडीशन है। फिलहाल तो ये टायर सिर्फ 4 से 5 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। तो आपको दोनों पहिए चेक करने हैं, वो कितना चल सकते हैं और अभी कितना चल चुके हैं। तो सस्पेंशन आपको गाड़ी का चेक करना है, कहीं उसमें आवाज़ें तो नहीं आ रही। और उसके बाद चेन स्प्रॉकेट चेक करना है। ये तो चेन स्प्रॉकेट आपको चलाते समय ही ध्यान आ जाएगा कि ये इसमें दिक्कत है या नहीं। तो अगर इनमें से कोई आपको खराबी लगती है तो आपको ध्यान में रखना है ये बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स, और नोट कर लेना है। और बात करते हैं अभी अगले पॉइंट की, जो कि ओनर से आपको पूछ लेना है कि यह गाड़ी फ़िलहाल सिटी में ज़्यादा चली हुई है या हाईवे पे। अक्सर ये भी पॉइंट ज़्यादा कुछ खास नहीं है बाइक के लिए, स्कूटी के लिए, यह ज़्यादा कार में देखने को मिलता है, तब भी आपको यह पॉइंट चेक करना है। और आपको गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करना है, अगर एक्सपायर है तो आप उनसे बात कर सकते हो ओनर से कि आप निकाल के दे सकते हो क्या। पर यह इंश्योरेंस जो है, जो खरीदार होता है गाड़ी का, जो ओनर होने वाला है सेकंड, तो उसको ही यह इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। तो उसके बाद में आपको आरसी चेक करनी है गाड़ी की। आरसी में आपको चेक करना है इंजन नंबर और चेसिस नंबर, यह सब मेन पॉइंट होता है गाड़ी खरीदते समय। आपको चेक करना है गाड़ी का इंजन नंबर, जो गाड़ी में नीचे लिखा हुआ होता है, चेसिस नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, और आपको डॉक्यूमेंट से मैच करना है कि यह मैच होता है कि नहीं। अगर मैच नहीं होता है तो आपको यह गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो छठा पॉइंट, अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब आपको गाड़ी को एक राइडिंग लेनी चाहिए, गाड़ी की राइड लेनी चाहिए, और कम से कम उसको 7 से 8 किलोमीटर चलाना है। और वो चलाना है सिटी में और ख़राब सड़कों पे, और चेक करना है कि ये गाड़ी किस प्रकार परफॉर्म करती है। और उसके बाद में आपको गाड़ी को बंद करके आइडलिंग मोड पे छोड़ देना है और रेस नहीं करनी है। और देखना है इंजन में से कोई अजीब सी साउंड आती है क्या, वो टाइमिंग चेंज की होती है या फिर पिस्टन की। अगर अच्छी रहती है तो आप गाड़ी को डन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको साइलेंसर चेक करना है, जो कि आप इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि किस प्रकार का धुआं तो नहीं आ रहा उसमें से, काला या सफ़ेद कलर का धुआं तो नहीं गाड़ी मार रही, तो आपको ये देखना है। और अगर आपको इसमें दिक्कत लगती है तो ऐड कर लेना है अपने नेगेटिव पॉइंट्स में। अभी बात करती है ओवरऑल कंडीशन की। ओवरऑल कंडीशन भी आपको देखना चाहिए गाड़ी की कि किस प्रकार है या ऐसा नहीं। और अभी फाइनली डिसीजन लेते हैं कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं।
तो बात करते हैं दोस्तों अभी उस निगेटिव पॉइंट्स की। अगर आपको निगेटिव पॉइंट गाड़ी में दिखते हैं तो आप किसी मैकेनिक शॉप या मैकेनिक से पूछ सकते हैं कि गाड़ी में क्या इतनी इतनी खराबी है और इतनी कॉस्टिंग क्या हो सकती है। तो आपको ये सब जो खराब हुई चीज़ें हैं उनकी कॉस्टिंग निकाल लेनी है उनसे, और जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है, मतलब आप एक हद डीलर के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी गाड़ी है तो मैं इसे आपको कितने रुपए में दे सकता हूँ, मतलब उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है उनसे। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे गाड़ी आपसे खरीदनी है, उसकी सिर्फ वैल्यू आपको निकाल लेनी है और माइनस करनी है जो कि आपको आपके गाड़ी में खराबी लगी उससे वो माइनस करनी है वैल्यू। और यह सारी चीज़ें आपको अगर सही लगती है तो आप गाड़ी को डन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।